हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप लोग भी एक इंस्टाग्राम यूजर हैं और आप लोग भी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर तो स्टोरी जरूर लगाते होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी लगा रहे हैं तो दोस्तों 15 सेकंड से ज्यादा की नहीं लग रहा है, 15 सेकंड से कम ही के लग रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 15 सेकंड से ज्यादा की कैसे वीडियो लगाएंगे। आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर तो बहुत ही तरह तरह के वीडियो देख चुके हैं, कोई वो सेटिंग बताता है कोई वो सेटिंग बताता है, दोस्तों वहाँ पर नहीं होता है। आपका 15 सेकंड से कम ही का स्टोरी लग रहा है, आप लोग 15 सेकंड से स्टोरी ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को लाइव प्रूव करके बताऊंगा कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 15 सेकंड से 60 सेकंड का स्टोरी कैसे लगाएंगे। चलिए आप लोग को बताते हैं कि आप लोग भी अपने मोबाइल से ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 60 सेकंड तक स्टोरी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर और आप लोग को बताते हैं कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 60 सेकंड तक ऐसे स्टोरी लगा पाएंगे, स्टेटस स्टोरी कैसे लगा पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर जाएगा, होम स्क्रीन पर आने के बाद अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले ओपन कर लेने के दोस्तों मध्य से सर्च बार, इस सर्च में हम लोग को सर्च करना होगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करके और आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर अपडेट है तो ठीक है, नहीं अपडेट है तो दोस्तों आप लोग यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से आप लोग क्या करिए अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अपने प्रोफाइल में जाइएगा, प्रोफाइल में आने पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर राइट साइड में थ्री लाइन पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर RGB एक्टिव यूर एक्टिव में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हाईलाइट का आप लोग ऑप्शन मिल जाता होगा। दोस्तों आप लोग इसमें भी नहीं आना है, आने को दोस्तों फिर से थ्री लाइन पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर दीजिएगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, दोस्तों क्या इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोग का यह इनेबल हो गया तो ठीक है, नहीं इनेबल हुआ तो दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम अपडेट करेगा तो वह इनेबल हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन मिल जाएगा। इतना काम करने में दोस्तों मध्य से बहुत सारे ऑप्शन आप लोग देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों मध्य से लिखा है स्विच अकाउंट टैप, दोस्तों क्या स्विच अकाउंट टैप पर क्लिक कर दीजिएगा। स्विच अकाउंट टैप पर क्लिक करने को दोस्तों मध्य से स्विच टू बिजनेस अकाउंट, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, आप लोग को बिजनेस अकाउंट में होगा तो दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर देना होगा। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करने को दोस्तों से स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर फिर से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर लेने को दोस्तों आप देख सकते हल्का सा लोड ले रहा है, लोड होने को दोस्तों आप लोग हल्का सा वेट कर लीजिएगा। वेट कर लेने को दोस्तों मध्य से हो गया, होने को दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, यहाँ से आप लोग को इतना काम कर लेने को दोस्तों यहाँ देख सकते कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन भी आप लोग देखने को मिलेंगे, बता सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों आप लोग कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देख सकते कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन भी आप लोग देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग कुछ नहीं करना होगा, ऊपर का तरह स्क्रॉल करके यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग देखने को मिल जाएगा मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई। तो दोस्तों क्या करिएगा, मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आप लोग देखने को मिल जा रहा था। दोस्तों यहाँ पर लोग देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी दोस्तों, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने को दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा। दोस्तों क्या करिए, इसको इनेबल करके एक दो बार कर दीजिएगा, जिससे क्या लगेगा कि इंस्टाग्राम को पता चलेगा कि यह अकाउंट एक्टिव है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या होगा कि यहाँ से एक बार दो बार आकर के इसको ऑफ कर दीजिएगा। इतना काम कर लेने को दोस्तों यहाँ से बैक आइएगा, बैक आने के बाद दोस्तों बोलते हैं शो एक्टिविटी स्टेटस, तो दोस्तों इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग इसको क्या करेगा, एक बार यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिएगा, इसको भी एक बार ऑफ करके और इसको इनेबल कर दीजिएगा। इतना काम कर लेने के बाद दोस्तों यह हो गया, होने के बाद दोस्तों आप लोग कुछ नहीं करना होगा, यहाँ से आप लोग देखते स्टोरी रिप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा। स्टोरी रिप्लाई पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों देख लीजिएगा बहुत सारे आपसे भाई को यह रहता है कि डोंट अलाउ स्टोरी, किसी के स्टोरी में आप लोग देखते होंगे कि वही बंदा रिप्लाई कर सकता है जो फॉलो बैक होगा या फॉलो होगा। तो दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, या एवरीवन वन देखते अलाउ स्टोरी रिप्लाईज फ्रॉम एवरीवन, तो दोस्तों क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इस पर क्लिक करके फिर से इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना काम कर लेने दोस्तों एवरीवन सेलेक्ट करके यहाँ से बैक आ जाएगा। बैक आने में दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, यहाँ से बैक कर दीजिएगा। आने में दोस्तों ऊपर की तरह स्क्रॉल करके और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट टैप एंड टूल्स पर क्लिक कर दीजिएगा। अकाउंट एंड टैप टूल्स पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो दोस्तों क्या करेगा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर लेने को दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोग जो सभी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कौन सा भी आप लोग कैटेगरी, जिस कैटेगरी से वीडियो बनाते हैं आप लोग उस कैटेगरी को लेकर करिएगा। जैसे कि यहाँ मैं वीडियो क्रिएटर लेकर डन पर क्लिक कर देता हूँ। डन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ से तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, इस पर क्रिएटर पर रख लें और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ओके वाले आइकन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और ओके वाले आइकन पर क्लिक करके नोट नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना काम कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हो गया, होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा।
रहते हैं। दोस्तों आप लोग को इतना काम कर लेने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग को थ्री लाइन पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर दीजिएगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हेल्प इस हेल्प वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाए। यहाँ पर देख सकते दोस्तों आप लोग देख सकते फर्स्ट में लिखा है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। तो दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम क्लिक करके और यहाँ पर क्या करेगा इसको आप करके और यहाँ पर देख सकते रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते इक्लोड एंड कंटिन्यू। तो दोस्तों इक्लोड कंटिन्यू पर क्लिक करके आप लोग को क्या करना होगा कि देख सकते मैं यहाँ से लिखा हूँ, यहाँ पर देख सकते मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं हेलो सर आई एम इंस्टाग्राम यूजर बाय यूजिंग 2 ईयर्स ओल्ड यूजर, प्लीज गिव मी 60 सेकंड स्टोरी ऑप्शन, प्लीज सर थैंक यू। इतना काम कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोग मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको कॉपी करके आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। इतना काम कर लेने को दोस्तों यहाँ पर देख सकते सेंड, इस सेंड वाले आइकन पर आप लोग को क्या करना होगा सेंड कर लीजिएगा। आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा है आई एम इंस्टाग्राम यूजर, देख सकते हैं आप लोग क्या करना होगा 2 ईयर्स यानी पुराना अकाउंट है मेरा। आप लोग क्या करेगा इस पर 60 सेकंड, जैसे कि आप लोग बताते हैं जैसे कि आप नया नया अकाउंट खुल रहा है तो दोस्तों वह 60 सेकंड का स्टोरी लग जा रहा है। अगर आपका पुराना अकाउंट है इंस्टाग्राम पुराना अकाउंट 2 साल 3 साल पहले से यूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 15 सेकंड से कमी का स्टोरी लग रहा है, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर देखते हेलो सर आई एम इंस्टाग्राम यूजर बाय यूजिंग 2 ईयर्स ओल्ड यूजर, प्लीज गिव मी 60 सेकंड स्टोरी ऑप्शन, प्लीज सर थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग करना क्या होगा यहाँ पर देखते सेंड, इस सेंड वाले आइकन पर क्लिक करके आप लोग सेंड कर दीजिएगा। सेंड कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग करना क्या होगा कि आप लोग यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप लोग इतना काम हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग क्या करना होगा कि एक इंस्टाग्राम से मैसेज आएगा कि आप लोग को देखने को मिलेगा फीडबैक देने के लिए। तो दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर में जाकर इंस्टाग्राम सर्च करके फीडबैक दे दीजिएगा। फीडबैक देने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ से अपडेट आ जाएगा। तो दोस्तों क्या करेगा उस अपडेट वाले आइकन पर क्लिक करके अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग क्या होगा कि आप लोग को 60 सेकंड का स्टोरी, जैसे कि यहाँ बता सकते मैं इसे अपने होम पर आ गया, होम पर आने के बाद दोस्तों बता सकते मैं यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके स्टोरी वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पर सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करके और देख सकते स्टोरी इस स्टोरी वाले आइकन पर जाएगा। स्टोरी वाले आइकन पर आने के बाद दोस्तों बता सकते जैसा इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जा रहा है, बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग करना क्या होगा यहाँ बता सकते अलाउ मैसेज रिप्लाई। तो दोस्तों आप लोग क्या होगा एवरीवन होगा, तो दोस्तों एक बार इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना काम कर लेंगे दोस्तों। अगर आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी लगा रहे हैं तो दोस्तों अगर अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं, अपने फाइल में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको ऑफ है तो इसको इनेबल कर दीजिएगा, ऑन है ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते सेव टू, यहाँ पर देख सकते सेव स्टोरी और आरजीबी। तो दोस्तों अगर आप लोग आरजीबी में जोड़ना चाहते हैं तो आप लोग किसी दिन आप लोग यहाँ के आरजीबी में देखिएगा तो आपको यह स्टोरी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर दीजिएगा। इतना काम कर लेंगे दोस्तों इसको क्या करेगा इसको ऑफ करके इसको ऑन कर दीजिएगा, इसको भी ऑफ करके इसको भी ऑन कर दीजिएगा। अगर आप लोग अपने शेयर अपने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर भी करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं तो दोस्तों आप लोग का फेसबुक में स्टोरी चल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, तो इसको ऑफ करना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको इनेबल करती हूँ। इनेबल करने को दोस्तों मतलब डन, इस डन वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरीके से डन वाले आइकन पर क्लिक करके और आप लोग क्या करेगा यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 60 सेकंड तक स्टोरी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी सारे स्टेप को फॉलो कर लिए हैं और आप लोग सारे स्टेप फॉलो करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कर दिए हैं तो दोस्तों आप लोग 100% में लाइव प्रूफ कह सकता हूं कि आप लोग का 60 सेकंड का स्टोरी लगाएगा तो दोस्तों आप लोग का स्टोरी लग जाएगा। लेकिन आप लोग करना क्या है कि आप लोग को फीडबैक दे करके उसको अपडेट कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा, तभी आप लोग अपने इंस्टाग्राम स्टोरी 60 सेकंड तक लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 60 सेकंड तक स्टोरी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।